हेलो, हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज प्रैक्टिकल में हम देखेंगे हीटिंग ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर हम कॉपर सल्फेट को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? अगर कॉपर सल्फेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा स्पून लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने लिया है और हीट के लिए मैंने एक छोटा सा कैंडल को जलाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप कैंडल को, ठीक है? तो अभी हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, बस और थोड़ा सा कॉपर सल्फेट मैंने ले लिया एक स्पून में। आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो कॉपर सल्फेट ले लिया है। अब इसे कैंडल में हीट करता हूँ और देखेंगे क्या होता है, ठीक है? तो कैंडल को थोड़ा सा पास ले आता हूँ और आप भी थोड़ा सा पास आ जाओ। तो ये लीजिए, स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके हीट हो रहा है। अब कॉपर सल्फेट जो है ये धीरे धीरे करके हीट हो रहा है और इसका जो कलर है ये धीरे धीरे व्हाइट भी हो रहा है, ठीक है? इसका जो कलर है आप देख सकते हो ये व्हाइट धीरे धीरे व्हाइट हो रहा है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट में वाटर होते हैं, ठीक है? कॉपर सल्फेट में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, तो जब कॉपर सल्फेट को हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर में बदल जाते हैं, ठीक है? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये बिल्कुल ही वेपर में बदल जाते हैं और ये वेपर निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कॉपर सल्फेट ही बचता है और कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो वाइट होता है, ठीक है? तो इसीलिए आप धीरे धीरे करके जो वाटर है ये निकलता जाता है और आप देख सकते हो यहाँ पर बॉर्डर लाइन पे जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर वाइट एकदम। तो अभी थोड़ा सा गर्म हो रहा है और ये देखो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके वाइट हो गया, ठीक है? आप देख सकते हो वाइट हो गया। अगर मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा पानी अगर डालूँगा तो ये फटाक से ब्लू कलर में बदल जाएगा, ठीक है? अगर मैं इस पर थोड़ा सा पानी अगर डालता हूँ तो ये बिल्कुल फटाक से ब्लू कलर हो जाएगा। तो आप देखो जैसे कि मैंने पानी डाला ये जो कॉपर है ये बिल्कुल
ब्लू कलर में बदल गया जैसे ही, ठीक है, जैसे ही ये वाटर के संपर्क में आया वैसे ही इसका जो कलर है, वैसे ही इसका जो कलर है ये वाइट था, फटाक से इसका जो कलर है ये ब्लू में बदल गया। आप देख सकते हो यहाँ पर, दिख रहा है ना आपको? अभी साफ देखो, पहले व्हाइट दिख रहा था, अभी बिल्कुल ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार कोई नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।